भारत की गीता गोपीनाथ बनी IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री, DU से की थी पढ़ाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। IMF ने इस संबंध में ट्विटर पर जानकारी दी है। वो मौरी स्पोक्स फेल की जगह लेंगी। मौरी इस साल के अंत में रिटायर हो जाएंगे। गीता गोपीनाथ इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स में रिसर्च की है। IMF में इस पद पर पहुंचने वाली गीता दूसरी भारतीय हैं, जबकि पहली भारतीय महिला हैं। उनसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी IMF में प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके हैं। IMF की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्डे ने सोमवार को गीता गोपीनाथ की नियुक्ति की जानकारी देते हुए कहा, गीता दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों में से एक है। उनके पास शानदार अकादमिक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। केरल सरकार ने गीता को पिछले साल राज्य का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया था। गीता का जन्म केरल में ही हुआ था। जब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गीता की नियुक्ति की थी तो उस समय उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग नाराज भी हुए थे। उस समय गीता ने कहा था कि ये पद मिलने के बाद वो सम्मानित महसूस कर रही हैं। गीता अमेरिकन इकोनॉमिक्स रिव्यू की सह संपादक और नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च NBER में इंटरनेशनल फाइनेंस एंड माइक्रो इकोनॉमिक की सह निदेशक भी हैं। गीता ने व्यापार और निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट, मुद्रा नीतियाँ, कर्ज और उभरते बाजार की समस्याओं पर लगभग 40 रिसर्च लेख लिखे हैं। गीता साल 2001 से 2005 तक शिकागो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं। इसके बाद साल 2005 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। साल 2010 में गीता इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनी और फिर 2015 में वे इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर बन गई। गीता ने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा भारत में पूरी की। गीता ने साल 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में भी मास्टर डिग्री पूरी की। साल 1994 में गीता वाशिंगटन यूनिवर्सिटी चली गई। साल 1996 से 2001 तक उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD पूरी की।